आज से ठीक 50 वर्ष पहले आज ही के दिन 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर्स का गठन हुआ। जब इंदिरा गांधी की सरकार आज़ादी के 25 वर्ष के तामझाम में व्यस्त थी, तो दूसरी तरफ देश के शोषित उत्पीड़ित जनता पर दमन हो रहा था। जमीन के पुनर्विभाजन मांग के साथ दादा साहब गैकात के नेतृत्व में मराठवाड़ा में करीब 1 लाख से ऊपर दलित भूमिहीन जेल भेजे जा रहे थे। 1969 में तमिलनाडु के किल्वेमनी गांव में उच्च जाति के जमींदारों ने 44 दलितों का खुलेआम नरसंहार किया, तो सरकार, पुलिस, कोर्ट और यहां तक कि सामाजिक न्याय के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टियां हत्यारों के साथ खड़ी हुईं। 60 और 70 के दशक में भारतवर्ष और पूरे विश्व के ज्वलंत परिस्थितियों की पृष्ठभूमि पर दलित पैंथर्स की स्थापना हुई। वियतनाम में अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रहार, नस्लवाद के खिलाफ ब्लैक पैंथर्स पार्टी के मिलिटेंट संघर्ष, एशिया अफ्रीका के मुक्ति संग्राम और हमारे देश में नक्सलबारी के दलित आदिवासी खेत मजदूरों द्वारा छीनी गई भूमि आंदोलन, इन सभी मुद्दों के प्रेरणा लेते हुए मुंबई के कमाठीपुड़ा बस्ती में दलित पैंथर्स का जन्म हुआ। दलित पैंथर्स के सह संपादक राजा ढाले पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। पुणे से प्रकाशित साधना पत्रिका के एक लेख में उन्होंने पूछा था कि अगर आजाद भारत में तिरंगे के अपमान के लिए 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन दलित महिला के बलात्कारियों को केवल 50 रुपये जुर्माने पर बेल दे दिया जाता है, तो दलितों के लिए तिरंगा किस काम का। दलित पैंथर्स ने उस समय आज़ादी के 25 साल के उत्सव का बहिष्कार करने का आह्वान दिया, और यहाँ तक कि दलित पैंथर्स ने सामाजिक एकजुटता बनाने की तरफ अपने घोषणा पत्र में दलित शब्द की परिभाषा को और विस्तारित किया। दलित पैंथर्स के घोषणा पत्र में लिखा गया, यदि आज हमने दलित अस्पर्श जीवन के एक क्रांतिकारी स्वरूप का निर्धारण नहीं कर लिया, तो सामाजिक क्रांति की इच्छा रखने वाला एक भी व्यक्ति भारत में जिंदा नहीं बचेगा। अब यह दलित केवल वेश बाहर या ग्रंथ बाहर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जिस तरह दलित है, अछूत है, उसी तरह कामगार है, खेत मजदूर है, भूमिहीन है, सर्वहारा है। उन्होंने यह ऐलान किया, हर कोई जो इस व्यवस्था से शोषित है, अनुशोषित जाति एवं जनजाति, मजदूर, भूमिहीन व गरीब किसान, महिलाएं और अमेरिकी साम्राज्यवाद के गुलाम, तीसरे जगत के देशवासी, जिसका किसी भी रूप में राजनीतिक, आर्थिक या धर्म के आधार पर शोषण किया जाता हो, वो सब दलित है। जहाँ पूंजीपति, जमींदार और हर वो राजनीतिक दल जो जात धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वह दलित वर्ग के शत्रु हैं, और जो भी क्रांतिकारी संगठन इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जो सही माने में समाजवादी समाज रचना के लिए संघर्षरत हैं, और जो जनता इस व्यवस्था से उत्पीड़ित है, वे दलित वर्ग के मित्र हैं। जाति विनाश के लिए दलित पैंथर्स की कुछ प्रमुख मांगों में जमीन का पुनर्विभाजन, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण एवं समाजीकरण, सबको मुफ्त शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधाएं, हर उत्पादन के संसाधन पर शोषित वर्ग के लिए आरक्षण इत्यादि हैं। दलित पैंथर्स संगठन की स्थापना आज़ादी के 25 वर्ष बाद हुई, इस समझ के साथ कि आज़ादी के बाद भी दलित मजदूरों और किसानों की मूल समस्या जस की तस रही। और आज जब देश आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है, तब भी हम देख सकते हैं कि तमाम सरकारी प्रणाली और आरएसएस बीजेपी के हिंदुत्ववादी ताकतें किस तरह आज भी दलितों, मजदूरों और किसानों को उत्पीड़ित कर रहे हैं। कभी वो मेहनतकश आवाम पर कॉरपोरेट हितैषी नीतियों को थोपती है, तो कभी वो एससी एसटी अथॉरिटी कानून और आरक्षण जैसे संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करती है। अतः ऐसे समय में दलित पैंथर्स का इतिहास हमें सिखाता है कि जाति विनाश के लिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष को आगे ले जाना महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सब के लिए यह ज़रूरी है कि हम शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित हों और उस दमन मुक्ति दुनिया को बनाने के लिए जिसकी कल्पना दलित पैंथर्स ने की थी।